मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली को विपक्षी कांग्रेस और सहयोगी पार्टी लगातार चुनौतियां दे रही है, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के महासचिव डॉक्टर मुमताज कुरैसी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रऊफ बेलिमम की जिला बदर कार्रवाई के खिलाफ SDPI के लोगों ने प्रदर्शन किया और सभा आयुक्त कार्यालय इंदौर स्थित राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए। SDPI के लोग ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बड़े संख्या में महिलाएं भी हाथों में SDPM का झंडा लिए मौजूद रहे। इस दौरान मुमताज कुरैशी ने कहा कि बेलिम एक सेवाभावी स्वभाव और पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं। उन पर विभिन्न बेबुनियादी इल्जाम लगाकर उन्हें जिला बंद किया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही के खिलाफ SDPI के लोग ने इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल, श्योपुर, गुना सहित करीब 8 स्थानों पर ज्ञापन दिया है। करता एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति और कई संस्थाओं के जिम्मेदार व्यक्ति, जिन्होंने मजलूमों के लिए हमेशा आवाज उठाई है, जिन्होंने शोषितों के लिए हमेशा आवाज उठाई है, जिन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाई है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बगैर किसी धर्म, जात पात, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आवाज उठाई है, आज इंदौर पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को शासन के निर्देशों पर निशाना बनाकर उनको जिला बदर की कार्रवाई कर रहा है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि इस तरह की कार्रवाई जिन जिन लोगों पर की गई है, उन सब की कार्रवाई को निरस्त किया जाए। और इस माध्यम से हमने ये मांग भी की है कि शहर में जो लोग राजनीतिक रूप से आंदोलन चलाते हैं या राजनीतिक रूप से जो लोग दबे कुचले लोगों की मांग उठाते हैं, उनको निशाना न बनाया जाए, वरना ये लोकतंत्र खात्मे के कगार पर चला जाएगा। एक जानकारी और आपके बीच मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस प्रशासन जिस प्रकार विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर रहा है और बताया यह जा रहा है कि ये लोग आतंकवादी जैसा काम करते हैं, झगड़े फसाद करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और इनके खौफ के कारण कोई व्यक्ति अदालत में अपनी गवाही देने नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन ये बताए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपकी नज़र में जो अब्दुल रऊफ बेलिम के प्रति गवाही देने से कोर्ट में डर रहा है, यह पुलिस प्रशासन को बताना होगा। और इसी के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तस्लीम चूड़ी वाले की FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग गए थे, उस तस्लीम चूड़ी वाले को की भीड़ को आधार बनाकर यह जिला बदर की कार्रवाई की गई है। मैं जानना चाहूँगा इंदौर पुलिस प्रशासन से कि जिन लोगों ने तस्लीम चूड़ी वाले के दूसरे दिन DIG कार्यालय का घेराव किया था और आपत्तिजनक नारे लगाए थे, मुस्लिम समाज के प्रति आपत्तिजनक नारे लगाए थे, इंदौर पुलिस प्रशासन बताए कि उन लोगों में से कितने लोगों को जिला बदर किया है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, और जिन लोगों ने तस्लीम चूड़ी वाले को मारा था उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके कितने लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है, यह जानना चाहेंगे हम पुलिस प्रशासन से। आज इसी माध्यम से हमने गवर्नर साहब से के माध्यम से मांग की है कि अब्दुल रऊफ बेलिम पर जो जिला बदर की कार्रवाई की गई है वो तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए, निरस्त की जाए। आपका परिचय? डॉक्टर मुमताज कुरैशी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, प्रदेश महासचिव।